इंडिया में फरवरी के महीने में कौन कौन से टू व्हीलर सबसे ज़्यादा बिके हैं। जी हाँ, आज मैं आपको फरवरी 2020 की सेल्स बताऊंगा कि टू व्हीलर कितने बिके हैं और सबसे ज़्यादा टू व्हीलर कौन सा बिका है, ये भी बताऊंगा। तो जानिए इस वीडियो में मैं आपको 24 टू व्हीलर बताऊंगा। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। बजाज पल्सर 200 NS। पल्सर 200 NS की फरवरी में यानी पिछले महीने 7,445 यूनिट बिकी है, जबकि फरवरी 2019 में की 10,511 यूनिट बिकी थी। यानी इस बाइक की 29% सेल्स कम हुई है और बाइक की एक शोरूम कीमत है 1,13,331 रुपये की। रॉयल इनफील्ड बुलेट 350। बुलेट 350 की फरवरी में 9,559 यूनिट बिकी है, जबकि फरवरी 2019 में इसकी 13,576 यूनिट बिकी थी। यानी इस बाइक की 30% सेल्स कम हुई है पिछले साल के मुकाबले और बाइक की एक शोरूम कीमत है 1,14,755 रुपये की। टीवीएस स्टार सिटी प्लस। स्टार सिटी प्लस की फरवरी में 10,476 यूनिट बिकी है, जबकि फरवरी 2019 में पिछले साल इसकी 7,020 यूनिट बिकी थी। यानी इस बाइक की 49% सेल्स बढ़ गई है और बाइक की एक शोरूम कीमत है 55,795 रुपये की। यामा फसीनो। फसीनो की फरवरी के महीने में 11,646 यूनिट बिकी है, जबकि फरवरी 2019 में इसकी 12,493 यूनिट बिकी थी। यानी इस बाइक की 7% सेल्स घट गई है और बाइक की एक शोरूम कीमत है 57,512 रुपये की। यामा FZ V3। V3 की फरवरी में 13,957 यूनिट बिकी है, जबकि फरवरी 2019 में इसकी 18,043 यूनिट बिकी थी। यानी इस बाइक की 23% सेल्स घट गई है और बाइक की एक शोरूम कीमत है 99,200 रुपये की। होंडा ड्रीम योगा। ड्रीम योगा की फरवरी में 16,111 यूनिट बिकी है, जबकि फरवरी 2019 में पिछले साल इसकी 3,276 यूनिट ही बिकी थी। यानी कि 392% सेल्स इसकी बढ़ गई है, जो कि काफ़ी लंबा उछाल है और बाइक की एक शोरूम कीमत है 58,116 रुपये की। होंडा सीवी यूनिकॉर्न 150। सीवी यूनिकॉर्न 150 की फरवरी में 18,723 यूनिट बिकी है, फरवरी 2019 में 23,711 यूनिट बिकी थी। यानी इसकी 21% सेल्स घट गई है और बाइक की एक शोरूम कीमत है 82,402 रुपये की। टीवीएस एंटॉर्क। एंटॉर्क की फरवरी के महीने में 20,644 यूनिट बिकी है, फरवरी 2019 में इसकी 15,836 यूनिट बिकी थी। यानी इसकी 30% सेल्स बढ़ गई है और इसकी एक शोरूम कीमत है एंटॉर्क की 70,697 रुपये की। टीवीएस अपाची 164V। अपाची 164V की फरवरी के महीने में 23,154 यूनिट बिकी है, जबकि फरवरी 2019 में 31,735 यूनिट बिकी थी। यानी 27% सेल्स घट गई है और बाइक की एक शोरूम कीमत है 1,950 रुपये की। बजाज पल्सर 125 की फरवरी के महीने में 24,732 यूनिट बिकी है और ये बाइक पिछले साल फरवरी के बाद में लॉन्च हुई थी इंडिया में, 2019 की रिपोर्ट नहीं है। और बाइक की एक शोरूम कीमत है 66,586 रुपये की। हीरो पेशियन। पेशियन की फरवरी के महीने में 26,905 यूनिट बिकी है, जबकि फरवरी 2019 में इसकी 47,511 यूनिट बिकी है। यानी इस बाइक की 43% सेल्स घट गई है और बाइक की एक शोरूम कीमत 57,650 रुपये की। बजाज पल्सर 150 की फरवरी के महीने में 31,216 यूनिट बिकी है, जबकि फरवरी 2019 में इसकी 67,682 यूनिट बिकी थी। और इसकी 54% सेल्स घट गई है और बाइक की एक शोरूम कीमत है 85,920 रुपये की। होंडा डियो। डियो की फरवरी के महीने में 32,651 यूनिट बिकी है, जबकि फरवरी 2019 में इसकी 46,854 यूनिट बिकी थी। यानी इस स्कूटी की 30% सेल्स घट गई है और स्कूटी की एक शोरूम कीमत है 64,126 रुपये की।
हीरो सुपर स्प्लेंडर। सुपर स्प्लेंडर की फरवरी के महीने में 33,949 यूनिट बिकी है और इस बाइक की फरवरी 2019 की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और बाइक की एक शोरूम कीमत है 61,600 रुपये की। बजाज प्लेटिना। प्लेटिना की फरवरी में 38,054 यूनिट बिकी है जबकि फरवरी 2019 में इसकी 58,231 यूनिट बिकी थी, यानी इस बाइक की 35% सेल्स घट चुकी है और इसकी एक शोरूम कीमत 47,648 रुपये की। टीवीएस जुपिटर। जुपिटर की फरवरी के महीने में 38,689 यूनिट बिकी है जबकि फरवरी 2019 में इसकी 51,300 यूनिट बिकी थी, यानी इसकी भी 25% सेल्स घट चुकी है और स्कूटी की एक शोरूम कीमत है 63,230 रुपये की। हीरो ग्लैमर। ग्लैमर की फरवरी में 40,318 यूनिट बिकी है जबकि फरवरी 2019 में इसकी 45,933 यूनिट बिकी थी, यानी इसकी 12% सेल्स घट चुकी है और बाइक की एक शोरूम कीमत है 61,600 रुपये की। रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। क्लासिक 350 की फरवरी में 40,834 यूनिट बिकी है जबकि फरवरी 2019 में इसकी 46,321 यूनिट बिकी थी, यानी इस बाइक की 12% सेल्स घट गई है और बाइक के शोरूम कीमत है 157,097 रुपये की। बजाज सिटी 100। सिटी 100 की फरवरी के महीने में 42,497 यूनिट बिकी है जबकि फरवरी 2019 में इसकी 46,587 यूनिट बिकी थी, यानी इसकी 9% सेल्स घट चुकी है और बाइक की एक शोरूम कीमत है 33,786 रुपये की। सुजुकी एक्सिस 125। एक्सिस 125 की फरवरी में 54,595 यूनिट बिकी है जबकि फरवरी 2019 में इसकी 54,524 यूनिट बिकी थी, यानी इसमें ज़्यादा घटा नहीं है, कुछ यूनिट ज़्यादा ही बिकी है और बाइक की एक शोरूम कीमत है 69,351 रुपये की। होंडा सीबी शाइन। सीबी शाइन की फरवरी के महीने में 66,832 यूनिट बिकी है जबकि फरवरी 2019 में इसकी 86,816 यूनिट बिकी थी, यानी इस बाइक की भी 23% सेल्स घट चुकी है और एक शोरूम कीमत है 69,532 रुपये की। हीरो स्प्लेंडर। स्प्लेंडर की फरवरी में 188,629 यूनिट बिकी है जबकि फरवरी 2019 में इसकी 223,909 यूनिट बिकी थी, यानी इसकी 16% सेल्स घट चुकी है और बाइक की एक शोरूम कीमत है 49,210 रुपये की। हीरो एचएफ डिलक्स। एचएफ डिलक्स की फरवरी में 191,875 यूनिट बिकी है जबकि फरवरी 2019 में इसकी 195,709 यूनिट बिकी थी, यानी 2% सेल्स ही घटी है और बाइक की एक शोरूम कीमत है 39,990 रुपये की। फिर आइए सबसे ज़्यादा बिकने वाली, वो है स्कूटी। इसका नाम है होंडा एक्टिवा। एक्टिवा की फरवरी के महीने में 234,749 यूनिट बिकी है जबकि फरवरी 2019 में इसकी 213,709 यूनिट बिकी थी, यानी 10% सेल्स बढ़ गई है इस स्कूटी की और स्कूटी की एक शोरूम कीमत है 65,535 रुपये की। यह है 24 वो बाइक और स्कूटी जो सबसे ज़्यादा बिकी हैं फरवरी के महीने में। आपको इन बाइक और स्कूटी में कौन सी बाइक सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। फरवरी 2019 में